हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल सबके। मैकलोडगंज में दूसरी मॉर्निंग है। आज त्रिवेणी जाने का प्लान है अपना। होप सो सब सही से हो जाए, क्योंकि बारिश पड़नी शुरू हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि हम गीले होके जाएं। चलो देखते हैं। बट यार बादल दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब एकदम पहाड़ों के ऊपर से ऐसे जा रहे हैं ना, इतने बड़े से दिखाता हूँ मैं। चेक करो भाई, क्या ही ऑसम व्यू है। आउट फॉर ब्रेकफास्ट, चलते हैं मार्केट में, देखते हैं क्या खाएंगे। सुबह की चाय और गाय का दूध गिरा दिया है। जैसे तूने वीडियो बनाई ना, नींद लगी ना तेरी। तो अभी हमें ऊपर जाना है त्रिवेणी कैंपिंग वगैरह करने, बट हमें डाउट था कि हम अपना कैंप सेटअप कर सकते हैं या नहीं। सो जो यहाँ के होटल के मैनेजर हैं उनसे बात हुई, तो वो कहते हैं आप हमारी कैंप साइट में टेंट लगा लेना, तो काफ़ी रिलीफ मिला। बाकी थैंक्स टू हिम। अब चलते हैं, पैकिंग वगैरह करते हैं और त्रिवेणी को निकलते हैं। तो हम पूरे रेडी हो चुके हैं। ये मेरा कैमरा बैग है और पीछे ये मैंने रक्सैक टांगा, और अभी थोड़ा बहुत जो सामान बच गया वो भैया को पका के जाएंगे। एंड त्रिवेणी जाने के दो रास्ते हैं, एक धर्मकोट से जाता है और एक जाता है बक्सू वाटरफॉल के थ्रू। तो लोग कहते हैं कि बक्सू वाटरफॉल वाला थोड़ा टफ है, बट हम पहले वाटरफॉल जाएंगे फिर त्रिवेणी, सो हमें उसी रास्ते से जाना पड़ेगा। लेट्स होप सब अच्छा रहे। भाई अभी बैंड बजनी शुरू हो गई है, ऊपर कैसे जाएंगे। चढ़ाई है भाई, एकदम स्टीप है, कैमरे में नहीं पता लगेगा। तो बक्सू वाटरफॉल में अभी, और यहाँ रश बहुत है। भाई अभी बक्सू वाटरफॉल जाके आए हैं, भाई खड़ने का मन ही नहीं कर रहा वहाँ पे, इतना रश, इतने लोग नहा रहे हैं वहाँ पे, हुक्का पी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये कोई बात थोड़ी ना होती यार, सारा माहौल ख़राब सा हुआ पड़ा। तो अभी हम फिर ट्रेंड को ही कंटिन्यू करते हैं अपना, क्योंकि रश में आपको यहाँ से दिखाऊँ तो ये देखो वहाँ पे लोग नहा रहे हैं अपना, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। चलते हैं फिर अभी त्रिवेणी की तरफ। सब खत्म हो गया भाई, जवाब देगी भाई लाते, इतनी गंदी चढ़ाई। बैठे जरा कोई, एक तो दो दो बैग लेके जाने पड़ रहे हैं। दो मिनट पहले वो पूरी सिटी दिख रही थी, अब पूरा वाइट हो चुका है। अब बादल देखो आगे जा रहे हैं। यही रास्ता रह गया भाई, बस कोई रोड कोई कुछ नहीं है, बस पत्थरों का रास्ता।
ऊपर तो रास्ता भी नहीं दिख रहा वहाँ। What we found is ये प्लेस एको करती है, दिखाते हैं। चलो चल पक्का। हाँ चंपा एको कर रही भाई। अपना नाम अभी मेरे नीचे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, तेरे नीचे बट मेरे ऊपर भी नहीं आपको कुछ दिखेगा, और हमें पता नहीं कितनी ऊपर जाना है। बस चलते ही जा रहे हैं, चली जा रहे हैं कब से, एक डेढ़ घंटे से यही सुन रहे हैं। पहाड़ी और स्टीप होती जा रही है, लातों की बस हो गई भाई। क्या हुआ ना भाई, जस्ट अबाउट टू रीच टॉप ऑफ द टॉप, जहाँ कैंपिंग साइट सी उससे भी बहुत ऊपर आ गए हम। और यहाँ का जो व्यू है ना, दुनिया से ऊपर, बहुत स्टीप चढ़ाई है भाई, बहुत स्टीप, पर इतना अच्छा लग रहा है ना के ऊपर, एकदम ठंडी हवा चल रही है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ब्रीदिंग वगैरह की या कुछ भी, तो बक्सू वाले रास्ते से कभी भी मत आना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता है, बहुत ज़्यादा स्टीप रास्ता है। वहाँ थी वो कैंपिंग साइट जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, और हम यहाँ हैं काफ़ी दूर, और वहाँ पे भीड़ चेक करो, 1, 2, 3, 4, 15, 20, 25 टेंट हैं वहाँ पे लगे हुए। तो टॉप पे आ गए हैं अब त्रेउंड के, जो पहले कैंपिंग साइट थी वो बहुत भीड़ वाली थी, मैंने जैसा आपको दिखाया था, बट अब हम जो होटल में रह रहे थे उनके ओनर की है ये भी, तो हमने उनसे बात की थी कि हमें कैंपिंग की जगह दिलवा दें, तो उनकी साइट पे आए हम, और ये त्रेउंड की सबसे टॉप कैंपिंग साइट है, इसके आगे कोई कैंप्स नहीं है, और यहाँ हमारे आस पास चारों क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं, तो आपको कोई पहाड़ कुछ नहीं दिखेगा। बट इस साइड जो ये वाली फॉग दिख रही है, इसके पीछे सारी बड़े बड़े पहाड़ हैं, 12,000 रेंजेस वाले, अगर क्लियर होता है तो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर, बट अभी तो कोई चांस नहीं लग रहा क्लियर होने का, क्योंकि हम जब बैठे हमारे आगे भी एकदम बादल हैं।